मृत्यु सभी को आती है, परंतु इतिहास उन्हें याद रखता है जो जिए तो भी स्वाभिमान के साथ और मरे तो भी स्वाभिमानी होकर। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो गुंडवाना वाली रानी थी। इतिहास में जब भी मुगलों का जिक्र होता है तो उनसे वैर लेने वाले भारतीय राजाओं की वीरता की गाथा गाई जाती, परंतु हमारा दुर्भाग्य यह है कि हमारे भारत के इतिहास में जितना स्पेस अकबर को मिला है उसका आधा भी किसी भारतीय राजा को नहीं मिला है। और इसी वजह से हमारी नई जनरेशन तो अकबर को तो जानती है लेकिन रानी दुर्गावती को वह नहीं जानती। और इसी वजह से हमने मुहिम छेड़ी है जिसके तहत हम हर भारतीयों के पास अपने चैनल के माध्यम से भारत के इतिहास का दूसरा पक्ष भी प्रस्तुत करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, वरना आप हमारे देश के इतिहास में हुए उस अन्याय को जान ही नहीं पाओगे। 15वीं सदी में मुगल एम्पायर अपनी जड़ें पूरे भारत में फैला रही थी। बहुत से हिंदू राजाओं ने अपने घुटने टेके तो बहुतों ने डटकर मुकाबला किया। राजपुताना से होते हुए अकबर का नजर मध्य भारत पर जा पहुंची, लेकिन मध्य भारत को जीतना मुगलों के लिए इतना भी आसान नहीं था, खासकर गोंडवाना को जीतना। इसलिए नहीं कि वह कोई बहुत बड़ा राज्य था, बल्कि इसलिए क्योंकि एक हिंदू रानी अपने पूरे स्वाभिमान के साथ अपने राज्य को बचाने के लिए अडिग थी। भी रानी दुर्गावती। तो देखो, रानी दुर्गावती का जन्म 5 अक्टूबर 1524 को उत्तर प्रदेश के बादा में कलिंगर के राजा कीर्ति सिंह चंदेल के यहाँ हुआ था। मैं आपको बता दूं कि चंदेल वंश वही वंश है जिन्होंने खजुराहो के मंदिर का निर्माण कराया था और महमूद गजनी को भारत में आने से रोका था। तो आप समझ सकते हो कि चंदेल वंश भारत के इतिहास के लिए कितना महत्वपूर्ण है। दुर्गावती अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। जन्म दुर्गाष्टमी के दिन होने के कारण उनका नाम दुर्गावती रखा गया। रानी दुर्गावती बचपन से ही तीरंदाजी, तलवारबाजी, घुड़सवारी में पारंगत थी। अकबरनामा में अबुल फजल ने लिखा है कि दुर्गावती बंदूक और तीर से निशाना लगाने में बचपन से ही हस्तसिद्ध थी। किसी भी शेर को देखने के बाद महारानी उसे मारने के बाद ही पानी पीती थी। 1542 में रानी दुर्गावती की शादी गोंडवाना के राजा संग्राम शाह के बड़े बेटे दलपत शाह के साथ हुई। उधर शादी के 3 साल बाद ही रानी दुर्गावती ने एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम वीर नारायण रखा गया। जब वीर नारायण 5 साल का हुआ तो उसके पिता का साया उसके सर से उठ गया। अब ऐसे में सवाल उठने लगा कि अब गोंडवाना साम्राज्य का क्या होगा, क्योंकि उस समय कई राजा गोंडवाना को हड़पने की तैयारी में थे। पति के मृत्यु के बाद रानी ने गोंडवाना को कैसे बचाया? लोगों को लगता था कि पति के मृत्यु के बाद रानी दुर्गावती गोंडवाना को नहीं संभाल पाएगी, लेकिन हुआ इसका उल्टा, क्योंकि पति के निधन के बाद ही ना केवल एक बेहतरीन रानी बल्कि एक बेहतरीन शासिका के रूप में उभरी। उन्होंने अपने बेटे वीर नारायण को सिर्फ 5 साल की उम्र में गद्दी पर बैठा दिया और खुद गोंडवाना की बागडोर अपने हाथों में ले लिया। अब गोंडवाना के आसपास के सभी राजाओं को लगने लगा था कि गोंडवाना का बागडोर तो एक महिला के हाथ में है और उसका उत्तराधिकारी भी अभी 5 साल का है, क्यों ना हम हमला करके उस पर अपना अधिकार कर ले। रानी दुर्गावती पर एक के बाद एक हमले। 1556 में मालवा के सुल्तान बाज बहादुर ने गोंडवाना पर हमला बोल दिया, लेकिन वह दुर्गावती के साहस के सामने एक भी दिन नहीं टिक पाया। फिर उसकी हिम्मत नहीं हुई गोंडवाना पर दोबारा हमले करने की। रानी दुर्गावती के लिए शांति सिर्फ कुछ ही दिनों का था, क्योंकि 1562 में अकबर ने मालवा पर अधिकार कर लिया और उधर अकबर के बहकावे में आकर गोंडवाना के आसपास के सभी राजा गोंडवाना पर हमला करने लगे। फिर भी रानी ने हार नहीं मानी, एक एक करके सबको हरा दिया और लगातार 49 युद्ध जीत डाले। गोंडवाना के आसपास किसी भी राजा में इतना सामर्थ्य नहीं बचा था कि वह गोंडवाना पर दोबारा नजर फेर सके। और यही बात जब अकबर को पता चली तो अकबर ने 1564 में आसफ खान के नेतृत्व में गोंडवाना पर चढ़ाई कर दी। रानी दुर्गावती ने अकबर को भी लोहे का चना चबवा दिया। अकबर को लगा आसफ खान के नेतृत्व में 1 लाख की सेना भेज देते हैं, रानी दुर्गावती डरकर सरेंडर कर देगी, पर हुआ इसका उल्टा, क्योंकि रानी ने खुद ही युद्ध का मोर्चा संभाल लिया। हालांकि रानी दुर्गावती की सेना में सिर्फ 10,000 सैनिक थे, फिर भी दुर्गावती ने अपने युद्ध शैली से मुगलों को चौंका दिया, क्योंकि उन्होंने लड़ने के लिए मैदान पर सिर्फ 2,000 सैनिकों को ही छोड़ा, बाकी 8,000 सैनिकों को जंगलों में छिपा दिया। जब आसफ खान ने हमला किया उसे लगा कि रानी हमारे 1 लाख सैनिकों को देखकर तुरंत अपने हथियार डाल देगी, लेकिन जैसे ही आसफ खान के 1 लाख की सेना रानी के 2,000 सैनिकों पर हमला करती है, वैसे ही जंगलों में छिपे 8,000 सैनिक तीर बरसाना शुरू कर देते हैं। मुगल सेना में ऐसी भगदड़ मची कि 1 लाख सैनिक तुरंत के तुरंत वहां से भाग खड़े हुए। दोबारा आसफ खान ने हमला किया, इस बार दुर्गावती ने अपने 10,000 सैनिकों को मैदान पर उतार दिया। मुगलों को लगा कि इस बार तो लड़ने वाले अगर 10,000 है तो सोचो जंगलों में कितने छिपे होंगे। इस बार भी मुगल सेना युद्ध करने से पहले ही भाग खड़ी हुई। तीसरी बार अकबर ने 2 लाख की सेना भेजा। इस बार वीर नारायण भी 14 साल का हो गया था। रानी दुर्गावती और वीर नारायण दोनों ने डटकर मुगलों का सामना किया, लेकिन मुगलों की संख्या 2 लाख होने की वजह से वीर नारायण भी घायल हो चुके थे। रानी ने उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाकर खुद युद्ध का मोर्चा संभाला। अब रानी दुर्गावती के पास सिर्फ 300 सैनिक बचे थे। अभी दूर से एक तीर रानी के आंख में लगा और एक तीर उनके सीने में लगा। के बाद उनके सैनिकों ने उन्हें युद्ध का मैदान छोड़ने का आग्रह किया, लेकिन रानी ने ऐसा करने से मना कर दिया। लेकिन जब रानी को आभास हो गया कि अब यह युद्ध जीतना तो असंभव है, तब उन्होंने अपने विश्वास पात्र मंत्री आधार सिंह से आग्रह किया कि वे उनकी जान ले ले ताकि दुश्मन उन्हें छू ना सके। लेकिन आधार सिंह ऐसा कर नहीं पाए, लेकिन रानी दुर्गावती ने खुद ही अपने पेटों में कटार घोंप ली। 24 जून 1564 को रानी दुर्गावती ने अंतिम सांस ली। रानी दुर्गावती ने अपने जीवन में 52 युद्ध लड़े थे, उनमें से सिर्फ वह एक युद्ध हारी थी, बाकी 51 युद्ध वह लगातार जीती थी। ऐसी वीरांगना पर हमें ही नहीं अपितु हमारे पूरे देश को गर्व होना चाहिए। आप यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, ताकि उन्हें भी अपने असल इतिहास के बारे में पता रहे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना आप भी मत भूलना।